धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और कि आप 7 फरवरी को एक रैली से देश को बुलाओगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये देश छात्र और यंग लोग के द्वारा मिल जाएगा। अब पिछले 4-5 साल से अगर हम देखें तो ऑलरेडी वक्ता बोल रहे हैं कि सारे घाटा में गए हैं। हेलो मुझे लग रहा है कि मैं जैसे कोई फिल्म मतलब म्यूजिक स्टार जैसे पकड़ती हूँ। ओके तो अगर पिछले 4 साल से हम सारे घाटा और लाभ का हिसाब करेंगे तो सब जैसे पहले वक्ताओं ने बोला है कि घाटा में तो सारे इंस्टीट्यूशन घाटा में जा रहे हैं, चाहे जो भी सारे इंस्टीट्यूशन मीडिया जुडिशरी आर बी आई सी बी आई एस बी आई जो भी आए लेकर सारे थे और जो लाभ में जो हमें दिख रहा है वो सारे स्टूडेंट शक्ति यूथ शक्ति फार्मर शक्ति तो लोग जितना अवेयर होते जा रहे हैं जो लोग इतना जो लग रहे हैं मुझे लगता है कि ये पिछले 5 साल का वही सबसे बड़ा देन है। और अगर हम सोचें कि लोग क्या लड़ रहे हैं किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, लोग सीखने के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लोग सिखाने के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लोग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि जो सरकार है वो चाहते हैं कि हम सब सिटीजन ना रहे, हम इनके हिंदू राष्ट्र के सब्जेक्ट बन जाए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो सिटीजनशिप बिल नॉर्थ ईस्ट में इसके बारे में हंगामा हो रहा है तो ताकि पूरे देश में होना चाहिए क्योंकि ये कैसा बिल है कि सिर्फ हिंदुओं को भी एडमिशन दिया जाएगा इस देश में और बाकी किसी को नहीं है और रिलीजन के ही बेसिस पर एडमिशन दिया जाएगा, हर चीज आइडेंटिटी के बेसिस पर दिया जाएगा सिटीजनशिप के बेसिस पर नहीं। लोगों के जो भी सारे अधिकार हैं अब बांटे जा रहे हैं कि आप हिंदू हो तभी आपको सब कुछ दिया जाएगा और अगर आप मल्या हो या नीरव मोदी हो तो आपको सब कुछ टैक्स फ्री मिल जाएगा और बाकी आप स्टूडेंट हो तो आप अपने छोटे छोटे स्कॉलरशिप के लिए लड़ते रहे, आप बिना कोई माध्यम से आप पता नहीं लोग कैसे पढ़ते हैं, लोग मिड डे मील इसीलिए शुरू हुआ कि लोग बच्चे जब स्कूल आते हैं तो भूखे रहते हैं तो पढ़ नहीं पाते और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बड़े हो जाएंगे कॉलेज आते हैं या काम में जाते हैं तो बिना कोई स्कॉलरशिप के साथ उनको पढ़ेंगे आगमार्क पढ़ेंगे या जो भी अन्य चीज पढ़ना चाहते हैं वो कैसे पढ़ेंगे जब उनको रोज ये चिंता है कि रेंट कहाँ से पे करेंगे, उनका स्कॉलरशिप का मतलब फीस कहाँ से भरेंगे और ये कहना कि DU या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में फीस कम है। एक तो ज़्यादातर कॉलेजेस इस देश में प्राइवेट है, 68% कॉलेजेस इस देश में प्राइवेट सेक्टर में है और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है वो भी किसी माध्यम से फीस को इंक्रीज कर रहे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी फीस के नाम से या कंप्यूटर के फीस के नाम से या आजकल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल कई सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज जो चल रहे हैं। ये जो इस सरकार का जो एंटी इंटेलेक्चुअल वार चला है 2014 से शायद पहले किसी सरकार ने इस देश में चाहे उन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया हो या ना किया हो कम से कम ये इतना खिलाफ तो नहीं थे कि पूरी तरह से जो भी लर्निंग है जो भी सीखने का इच्छा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इतनी कोशिश नहीं कर रहे थे। पिछले साल में मैं बर्लिन में एक म्यूजियम है जो हम और यूनिवर्सिटी के सामने जो फर्श पर बना हुआ है और वह उसी स्थान पर है जहाँ 1933 में लोग SS के मेंबर्स ने सारे किताबें जलाए थे जो सारे जर्मनी के इंटेलेक्चुअल्स के किताबें को इकट्ठा करके एक बड़ा सा बॉनफायर बनाया था और उस म्यूजियम को आप बस एक लास्ट
बिल्डिंग है फर्श से सटा हुआ है और आप नीचे देखते देखते सिर्फ खाली शेल्फ है, रोज ऑन रो और वाइट शेल्फ, उनमें कोई भी किताब नहीं है, बिल्कुल खाली है। और ये एक तरह से अगर ये सरकार रहेगा तो हमारा भी हाल वैसे ही होगा कि लोग जो किताबें पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, जो तो भाषण देना चाहते हैं जैसे अभी नरेंद्र सहगल को डिसइनवाइट किया गया पिछले 5 साल में, कई लोगों को कई यूनिवर्सिटीज में कई पब्लिक मीटिंग्स में बोला गया है कि आप मत आओ क्योंकि आपके विचार देशद्रोही हैं या आप देशद्रोही हो या जो भी कुछ कारण से उनको नकारा गया। तो अभी हम लोग क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक तो जैसे मैंने कहा सीखने का अधिकार, लिखने का अधिकार, सोचने का अधिकार, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने जो इनिशिएटिव किया है इसके चलते ही ये सारे अधिकार की बचाव होगी और देश जो आएगा वो एक नया देश है।